ऑल ऑफ यू, एक्चुअली क्या है ना कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स में अनुपात समानुपात। कोई से भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस वाले टॉपिक में से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है हमारा सिक्को वाला होता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से। कोई से भी क्वेश्चन हो, बिना एक्स माने, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं मानना, समझेंगे ट्रिक क्या है मेरी। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। यदि उनकी उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो समझेंगे हमको क्या दिया है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं हमको। इनकी जो संख्या दी है वो 1:4:4 दी है। अब इस चीज को समझो आप कि 1 रुपये का सिक्का कितना है, 1, तो कितने रुपये होगा 1। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4, तो 50 पैसे कितने हो गए, 2 रुपये। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4, मतलब 54 है, कितने रुपये होगा, 1 रुपये। अब मिलाकर देखो आप कुल कितने रुपये होगा, मिला के 2 और 1 3 और 1 4 हो गए, लेकिन बुक ने बोला है कि मिलाकर कुल कितने रुपए है, 200 रुपए। तो इसलिए मेरा 4 बराबर किसको हो जाएगा, 200 के। इसे डिवाइड करने पर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50। जब मेरी 1 की वैल्यू आ जाती है तो हम तो फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। मेरे से आगे इसने बोला है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो मेरे हिसाब से 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4। 4 की वैल्यू पता लगाने के लिए 4 से यहां मल्टीप्लाई 200 आंसर। बाय द वे, अगर मेरे से पूछा जाता कि 1 रुपये और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का योग बताओ, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग बताओ, तो मेरे हिसाब से दोनों का योग कितना है, 5 है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होती है, 5 से यहाँ, तो कितना था, 5 × 5 = 25, 0, 250 हो जाता। समझ रहे हो चीज को आप। और आगे हमको क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये जो है विदाउट पेन हो सकता है, मतलब कुछ हमें पेन टच नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला लगाना, ना कोई एक्स। देखो किस तरह से हो सकता है कि मेरे से इसने बोला था कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों की संख्या का अनुपात जो है 1:4:4 है। 1 रुपये वाला 1 है तो 1 रुपये हो गया, 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो गया, 25 पैसे वाले 4 सिक्के हैं तो 1 रुपये हो गया, मिला के कितने रुपये होगा, 4। बुक ने बोला मिला के कितने रुपये हैं, 200 रुपये, 4 बराबर 200, इसे डिवाइड करोगे तो 1 बराबर कितना गया, 50। मेरे से बोला 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के मेरे हिसाब से 4 थे, तो जब 1 बराबर 50 तो 4 बराबर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से वहाँ मल्टीप्लाई, 50 × 4 = 200 आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई देखो, अगर आप जब तक एग्जाम में क्वेश्चनों को, जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 50 क्वेश्चनों में से 35+ क्वेश्चन विदाउट पेन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम है। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिलते हैं, टाइम को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। टाइम मैनेज जब भी हो सकता है, जब आप इस चीज को समझ लो कि क्वेश्चन जो है हमको ना ही कोई फॉर्मूले से करना है, ना ही कोई एक्स से करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई लेवल का है, सीजीएल लेवल में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझेंगे आप ध्यान से। एक्चुअली क्या है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। कुल संख्या, देखो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को कुल मूल्य दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को दिया है कुल संख्या। कुल संख्या 175 है। आगे, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझेंगे इस चीज को, कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है तो सिक्कों की कुल संख्या बताओ। अब समझो इस चीज को, मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर होने का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझो आप। मूल्य बराबर होने का मतलब यह है कि अगर 25 पैसे वाले 5 रुपए है ना, तो फिर 50 पैसे वाले भी 5 रुपए होंगे और 1 रुपए वाले भी 5 रुपए होंगे। अगर मान लीजिए कि 1 रुपए वाले 10 रुपए है ना, तो फिर 25 पैसे वाले भी 10 रुपए होंगे और 50 पैसे वाले भी 10 रुपए होंगे। ये किसका मतलब है, मूल्य समान होने का। तो मैं अपनी मर्जी से मूल्य कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं बहुत छोटा नंबर मानते हैं, वैसे आप जो आपको इच्छा हो वो मान लेंगे आप, कि मैंने मूल्य माना 1। इसका जब तीनों का मूल्य बराबर है तो मूल्य बराबर हो गया, 1-1 मूल्य आ गया। अब एक कॉमन सेंस बताना हमको, अगर मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया, तो उसमें 25 पैसे कितने होंगे, 25 पैसे 4 होंगे। मेरे पास अगर 1 रुपया है तो उसमें अठन्नी कितनी होंगी, मतलब 50 पैसे 2। मेरे पास अगर 1 रुपया है तो उसमें 1 रुपया वाला सिक्का 1 ही होगा। तो ये जो है सिक्कों की संख्या आ गई,
ये जो चीज है मेरे पास सिक्कों की संख्या आ गई, कैसे आई कि एक रुपए में कितने 25 पैसे वाले होते हैं 4, एक रुपए में कितनी 50 पैसे वाले होते हैं 2, एक रुपए में कितने होंगे 1 वाले 1, तो मेरे पास संख्या आ गई कुल कितनी हो गई संख्या, कुल संख्या हो गई मेरे पास 7। लेकिन बुक ने बोला है कि कुल संख्या कितनी है, संख्या कुल 175, तो मेरा 7 बराबर 175, ये संख्या है। एक चीज को मैं फिर दोबारा कई बार इस बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझो। अरे जो मेरे को दिया होता, अगर मेरे को यहाँ संख्या दी है तो मैं संख्या का योग करके रखता हूँ, मेरे को अगर यहाँ पे मूल्य का योग दिया होता तो मैं मूल्य का योग करके रखता हूँ। इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। तो मेरे पास ये संख्या थी, तो ये भी मेरी क्या है, संख्या है। तो मेरे हिसाब से 7 संख्या, बुक के हिसाब से 175, इसे डिवाइड करने पे एक बराबर कितना आ जाएगा 25। जब मेरे पास एक की वैल्यू आ जाती है तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मेरे से इसने पूछा कि थैले में सिक्कों का कुल मूल्य बताना, कुल मूल्य, तो जो मेरे से पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई होती है। तो मूल्य तो मेरा ये था ना, कुल कुल मूल्य मेरा ये था, मूल्य मिला के कितना है 3 है। तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो 25 दिया 75, आंसर कुल मूल्य कितने रुपये हो गया, 75 रुपये हो गया। अब एक्चुअली समझ लेंगे ध्यान से, मैं आपसे इस चीज को ऊपर दोबारा बोल रहा हूँ, इस चीज को बिल्कुल फोकस के साथ समझो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो समझ लेंगे भाई ध्यान से इस चीज को, चाहे कोई कितना बड़ा खा हो, गणित करने वाला चाहे कोई कितना बड़ा खा हो, अगर वो एग्जाम में गणित को फॉर्मूलो और एक्स वाई मान के सोल्व कर रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा गणित की वेस पर। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति फॉर्मूलो और एक्स वाई के जितने पास है सिलेक्शन से वो उतना ही दूर हो जाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल अपने माइंड में सेव कर लेंगे भाई, जो व्यक्ति फॉर्मूले और एक्स वाई से करता है गणित को तो एग्जाम में वो टाइम मैनेज कभी नहीं कर पाएगा। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लीजिए देखो करने कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स मान के कोई भी कर लेगा, लेकिन टाइम के अंदर करना बहुत बड़ी बात है अपने अंदर। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन सीखा, वो आज इसको इसी क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहा है एक्स मान के, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ना 50 बार भी कर लेंगे ना, तो 50 बार करने के बाद भी आप इसे 1 मिनट में ही करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप इसे ट्रिक से सीखते हैं, मान लीजिए आप इसे सीखने पे आज 40 सेकंड में कर रहे हैं, तो 5 बार करने के बाद या 7 बार करने के बाद ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, 10 सेकंड में। ये सबसे बड़ा अंतर है इस चीज में। तो एक्स और फॉर्मूलों से हमें नहीं करना, चीजों को जो है हमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पर समझना है। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का था, समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के नोटों के में कुल धनराशि 640 है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। समझेंगे इस चीज को, मेरे पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। इसने मेरे से बोला है कि राशि कुल 640 रुपये की है और नोटों की संख्या क्या है, समान है। इस चीज पर आप फोकस करेंगे, संख्या जो है नोटों की समान है। तो मैंने अभी आपको बताया संख्या समान होने का मतलब क्या है, कि अब जो अगर 1 रुपए के जितने नोट होंगे वही 5 रुपए के नोट होंगे और वही 10 रुपए के नोट होंगे, या जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए के 50 नोट है तो 5 रुपए के 50 होंगे और 1 रुपए के भी 50 होंगे। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप छोटे से छोटा मानो, तो मैंने छोटे से छोटा संख्या मानी 1 मान दी, कि 10 वाले भी 1 नोट है, 15 वाला भी 1 नोट है, 1 वाला भी 1 नोट है। तो अब आप देखो 10 रुपए का 1 नोट कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। 5 रुपए का 1 नोट कितने रुपए, 5 रुपए। 1 रुपए का 1 नोट तो 1 रुपए। मेरे हिसाब से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए, 16 रुपए। लेकिन बुक ने बोला है कि कुल मिलाकर कितने रुपए है, 640 रुपए। तो 16 बराबर 640, आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 बराबर कितना आ गया, 40। जब मेरी 1 की वैल्यू आ जाती है तो मैं फिर कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे से क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं, कुल कितने नोट हैं, तो नोट की संख्या ये थी ना, तो कुल नोट कितने हैं, कुल नोट है 3। तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 120, आंसर। तो मेरे पास जो कुल नोट है वो कितने हैं, 120। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत आसान है चीजें, देखो इसमें कोई एक्सर मानना पड़ रहा ना कोई फॉर्मूला, सिंपल मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के नोटों की संख्या है, मैं कुल 640 रुपये और प्रत्येक प्रकार के नोट समान है। जब इसने मेरे से बोला कि प्रत्येक प्रकार के नोट समान है तो मैं समान संख्या मान सकता हूँ, तो मैंने 1 1 1 मान लिया। तो 1 रुपए का 1, 5 रुपए के 5, 10 रुपए के 10, कितने हो गए कुल, 16 रुपए। बुक ने बोला 640, 16 बराबर 640, इसे डिवाइड करो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा,
40, मेरे जैसे ने बोला है कि कुल कितने नोड है, मेरे हिसाब से कुल कितने, एक एक तीन हो गए, एक बराबर 40 तो तीन बराबर 120, आसान है भाई बहुत चीजें। एक्चुअली क्या है ना कि भाई जिस तरह से मैं करा रहा हूँ इसमें बहुत रिसर्च करी है मैंने, मैथमेटिक्स में अपने टाइप बनाए हैं, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझें। और एक बात और बोल रहा हूँ मैं आपसे कि जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कराया अनुपात समानुपात, तो मैं इसे आपको पूरा कराऊंगा, ऐसा नहीं कि दो एक वीडियो इसके ऊपर बनाई यार आगे चल पड़े। रीजन क्या है कि इसमें जो है चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हमको और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5, 6, 8 के अनुपात में है, यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान है, अब हमारी ट्रिक से करते हैं यार, कुछ नहीं करना। मेरे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात संख्या का कितना है 5, 6 और 8। अब एक्चुअली क्या होगा, ये मेरे पास अनुपात दे रखा है संख्या का, संख्या का अनुपात है, तो कुछ नहीं करना, आप अपने आप बताएंगे कि 5 सिक्के 1 रुपये वाले कितने रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये। उसके बाद 50 पैसे मतलब 8 जो है कितनी है, 6 8 है, 1 8 से जो है 2 8 से जो है 1 रुपये बनता है, तो 6 से कितने बन जाएंगे 3 रुपये। मेरे पास 25 पैसे मतलब 54 जो है 8 54 है, 4 54 से बनते हैं 1 रुपया, तो 8 54 से कितने हो गए 2 रुपये। मेरे हिसाब से मिलाकर कुल कितने रुपये हो गए 10 रुपये, लेकिन बुक ने बोला है कि कुल कितने रुपये है 240 रुपये, तो 10 बराबर कितना आ गया 240, इसे डिवाइड करोगे तो 1 बराबर कितना आ गया 24। अब मैंने आपसे बताया जब आपको 1 की वैल्यू पता चल जाती है तो उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो क्या करना होता है मेरे को, मुझे बताना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो मेरे को निकालना है 5 बराबर, तो 5 बराबर निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो 24 पंजे कितना होता है भाई 120। अब मेरे को निकालना है 6 बराबर, तो 1 बराबर जब मेरा 24 था तो 6 बराबर के लिए 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 144। मेरे को निकालना 8 बराबर, जब 1 बराबर मेरा 24 है तो 8 बराबर निकालने के किससे मल्टीप्लाई होगी, 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 6 32 का तो हासिल लगा 3 और 8 16 3 19 192, ये आपके आंसर आ गए तीनों 120 144 192। एक्चुअली क्या है कि ये टाइप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इससे भी इंपॉर्टेंट टाइप है, एक IVA वाला टाइप होता है, मैं आपको वो कराऊंगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दूसरी चीज़ एक और भाई, मेहनत भी करें आप अपने आप, बुक्स कोई ले लें, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती हो या जो आपके पास हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी ये टाइप सिखाया, तो इस टाइप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई सी बुक हो, इस ब्रह्मांड की कोई सी भी बुक हो आपके पास, जैसे कि आयु अनुपात और समानुपात में मैंने आपको ये सिखाया, तो आप उस बुक में से इसको क्वेश्चन निकालिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं इस वाले टॉपिक में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और नया टाइप जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आपके बाय।